मेरा नाम है रमेश कुमार यादव। आ गया हूँ मैं आपके लिए दूसरा एक वीडियो लेके। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फॉन्ट टेक के बारे में। फॉन्ट टेक के बारे में हम क्या बात करेंगे, फॉन्ट का कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपने HTML पेज के ऊपर, फॉन्ट का फेस कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फेस यानी कि फॉन्ट का स्टाइल हमें चेंज करनी है, कि हमें जो भी स्टाइल दिख रही है फॉन्ट की, समझ लीजिए अगर टाइम्स न्यू रोमन एक स्टाइल आपको पता ही होगा फॉन्ट्स फेस का, वैसे ही हम उसे एरियल स्टाइल में दिखा सकते हैं, वरदाना स्टाइल होती है, ऐसी बहुत सारी स्टाइल होती है जिसके अंदर हम उसे दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही फॉन्ट फेस के बहुत सारे स्टाइल होते हैं। तो आइए मैं अभी आपको अपने VS कोड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको मैं ये अपना कोड रन करा के दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, फॉन्ट टैग मैंने लगा दिया हुआ है, टाइटल के अंदर नाम रिप्रेजेंट कर दिया है। फॉन्ट टैग के अंदर हमें समझ लीजिए हमें फॉन्ट का कलर चेंज करना है सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक H1 टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर मैं नाम डाल देता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट का, कोडिंग सीखो नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने नाम डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे कलर चेंज करना है कोडिंग सीखो का, तो ये मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसे फॉन्ट टैग लगाना होगा। ये मैंने फॉन्ट टैग यहाँ पे लगाया, आपको इस तरह से मुझे आपको फॉन्ट टैग लगाना है यहाँ पे, और इसे क्लोज यहाँ पे नहीं करना है, क्लोज जो हमें करना है हमारे वर्ड के बाद में करना है, यानी कि जो कोडिंग सीखो है इसके बाद में मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो फॉन्ट टैग को भी क्लोज करना ही होता है, बिना क्लोज के आपका ये चलेगा नहीं। उसके बाद में अब मुझे कलर देना है, कलर तो मैंने अभी तक दिया नहीं। तो फॉन्ट टैग के अंदर कलर नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है, फेस चेंज करना है और साइज चेंज करनी, तो ये सारे तीनों एट्रीब्यूट हैं, फेस कलर और साइज, ये सारे तीनों के तीनों एट्रीब्यूट है। ये एट्रीब्यूट मुझे फॉन्ट के अंदर लगाने होंगे, तभी तो मैं उसकी स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। कलर के अंदर मैं जैसे कि यहाँ पर लगा देता हूँ ग्रीन कलर, मुझे ग्रीन कलर के अंदर कोडिंग सीखो अपने वेब पेज के ऊपर दिखाना है। तो यहाँ पे मैं आपको ये रन करा के दिखा देता हूँ, यहाँ से हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा कोडिंग सीखो जो है वो ग्रीन कलर के अंदर रिप्रेजेंट हो चुका है, आउटपुट हमें मिल चुका है। तो इसके बाद अगर अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कोडिंग सीखो की स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, तो ये कैसे करूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कलर के अंदर ग्रीन को हटा देता हूँ और कलर की जगह पे अब मुझे फेस चेंज करना है। तो फेस टाइम्स न्यू रोमन होते हैं, एरियल होता है, कर्सिव होता है, वरदाना होता है, ऐसे बहुत सारे फॉन्ट की फेस होते हैं, कलर फेस होता है उसका। तो अभी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कर्सिव स्टाइल में मुझे ये दिखाई दे, कर्सिव स्टाइल में मुझे ये दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने कलर और यहाँ पे हमें कलर एट्रीब्यूट भी बदल देना है, यहाँ पे मुझे देना है फेस एट्रीब्यूट, ये मैंने फेस एट्रीब्यूट लगा दिया यहाँ पे। अब मैं इसे रन करके देख लेता हूँ कि ये मुझे कैसे दिखाई देता है। तो आप देख सकते हो ये कर्सिव स्टाइल में कोडिंग सीखो हमारा आ चुका है। अब इसके बाद में आता है हमारा लास्ट टैग है साइज। तो यहाँ पे अब एट्रीब्यूट हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने साइज एट्रीब्यूट लगा दिया है और यहाँ पे साइज में देता हूँ इसको 7 साइज दे देता हूँ, कि मुझे मेरा जो ये कोडिंग सीखो जो मेरा डिस्प्ले होगा वो 7 साइज के अंदर उसकी साइज होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पहले से काफ़ी बड़ा हमारा ये कोडिंग सीखो दिखाई दे रहा है, पहले इसे थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा था, अभी ये बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहे तो कोडिंग सीखो के अंदर तीनों एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं, साइज भी अप्लाई कर सकते हो, कलर भी अप्लाई कर सकते हो और फेस को भी अप्लाई कर सकते हो, ये कैसे करे जाए। तो इसके लिए आपको अभी साइज के बाद में मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज करना, तो मैं ये कलर एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा देता हूँ। सबसे पहले तो कलर ग्रीन दे देता हूँ, ग्रीन दे दिया मैंने, और उसके बाद में अब मैं चाहता हूँ इसका फेस चेंज करना, तो फेस क्या, फेस यहाँ पे दे देता हूँ कर्सिव दे देता हूँ यहाँ पे इसको मैं, ये मैंने दे दिया, इसे सेव कर देता हूँ और इसे अब मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो और यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है, कर्सिव स्टाइल में आ चुका है, प्लस ग्रीन कलर भी आ चुका है और उसकी साइज जो है वो बड़ी 7 जो हमने साइज दी थी वो 7 साइज में हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल चुका है। तो ऐसे ही आप इसे दिखा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में, थैंक यू।